नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए इस चैनल में लेगा आंवला, जिसे कि हम आंवला के नाम से मोस्टली जानते हैं और ये आप इसका गुण तो जानती हैं। तो मैं आंवला के क्वालिटी के बारे में या उसके गुण के बारे में ना बता करके मैं सीधे आपको बताऊंगा कि आंवला का हम लोग कैसे यूज करें। तो आपने देखा होगा कि जितने भी च्यवनप्राश पड़ते हैं उसमें मुख्य घटक जो होता है आंवला और शुगर यानी चीनी होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि आंवला हमारे लिए क्या प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, बालों की समस्याओं को दूर करता है, आँखों की प्रॉब्लम को दूर करता है या होने ही नहीं देता है। तो आंवला जो है हमारा जो देखा जाए तो जितने भी रसायन हैं जो आयुर्वेद में हैं उनमें आंवला बहुत ही अपना एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी रोगों के काम में आता है। तो तीनों मतलब कब बात की होगा, तीनों दोषों को दूर करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आंवला अगर हम बात करें च्यवनप्राश की, तो हम एक तरफ तो बोलते हैं कि हमें शुगर नहीं खाने चाहिए, चीनी नहीं लेना चाहिए, शुगर हमारे लिए जहर है, ठीक है। लेकिन हम अगर च्यवनप्राश देखें तो उसमें आप देखेंगे कि उसके बोतल पे लिखा रहता है डिब्बे में कि कितनी मात्रा में चीनी, आप खुद देख सकते हो। और तो इसलिए मैं च्यवनप्राश जो हम लेंगे तो उससे हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है, वो खाली उसके अपने अलग गुण है। अब हम बोलते हैं किसी को अगर सुबह सुबह आंवला जूस लेना तो लीजिए, तो वो बोलते हैं आंवला जूस में पानी मिला हुआ है, उसका क्या करें या किस कंपनी का सही है। और इसी तरीके से अगर मुरब्बा लेते हैं तो उसमें फिर चीनी आ जाती है बहुत अधिक मात्रा में। तो जिनको शुगर की प्रॉब्लम है या जो मीठा नहीं खाना पसंद करते हैं या जो अपने वजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम उन्हें मीठा खिलाते हैं तो आपको पता है कि मीठे फैट और रिफाइंड से जो ऑयली होता है उनसे अपना फैट बनता है और शरीर मोटापा जाता है। तो एक तरह हम कह रहे हैं कि आप मीठा मत खाइए और आंवला खाइए तो कम्बिनेशन नहीं बनता। तो इसके लिए मैंने बहुत सोचा और मेरे पास बहुत फीडबैक आया, बहुत लोगों ने कहा कि आंवला को कैसे खाएं। मैंने कहा चटनी बना के आप खा सकते हैं सुबह सुबह ताज़ी, घर में धनिया का पत्ते डाल लो, लहसुन वगैरह डाल लो, अदरक डाल लो, बहुत टेस्टी बनती है, वो खा सकते हो आप। तो अगला क्वेश्चन ये आया कि अगर हम अभी तो खा लेंगे, सीजन चल रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम कहाँ से लाएंगे, फिर वो मार्केट में हमें जाना पड़ेगा आंवला जूस या उस पर डिपेंड करेंगे आंवला पाउडर है। तो इसके लिए मैंने बहुत ही एक अच्छा सोल्यूशन निकाला है कि आप जैसे कि आंवले को आप बना सकते हैं, दूसरे रूप में खा सकते हैं। चटपटा आंवला बनाया मैंने बहुत ही बढ़िया अपने घर के लिए, और ये पहली बार नहीं बना रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी बनाया था। मैंने क्या बनाया था, भाई बनाती है, उसको भी पसंद था, उसने बना रखा है, तो आप लोगों को मैं बताऊँगा कैसे बनता है। इससे पहले मैं आंवले के बारे में बता दूँ कि आपने आंवले लेने हैं साफ़ सुथरे आंवले लेने हैं जो एकदम पक गए हों, और इस समय लास्ट डी एंड भी चल रहा है आंवलों का, तो इस समय सभी आंवले लगभग परिपक्व हैं और आप उन्हें ले सकते हैं। और अभी जब तक ताज़े मिल रहे हैं आप ताज़े खाते रहिए, नहीं मिलते हैं उसके लिए मैं आपको बता दूंगा आंवले की कैंडी बना सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी आती है, मीठी गोलियां हैं, चॉकलेट टॉफी टाइप की भी आंवले की आजकल चल रही हैं, हलवा चलता है बाज़ारों में देखा होगा आप, वहाँ पे पैकेट बंद चलता है। इसी उपलक्ष्य में आपको बोलना है कि आंवला सुबह सुबह लेना है, इसके बेनिफिट थोड़े से बता देता हूँ। जैसे कि आपके बालों की प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, तो आप सुबह आंवला जूस लीजिए या आंवला लीजिए तो उससे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। रक्त पित्त की जितनी भी प्रॉब्लम है यानी पित्त रोग से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, जिसमें कि दांत खाज, खुरली, फोड़े, फुंसी, दाना, एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह सब होता है, उसमें भी ये अच्छा रिजल्ट देता है, मतलब उसको बढ़ने से रोकता है या होने नहीं देता अगर अपने आप इसे डाइट में शामिल कर लेते हैं आंवले को, तो क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जैसे कि हमें ज्ञात है आंवला विटामिन सी होता है, विटामिन सी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और सारी बीमारियों को रोकता है। तो इस प्रकार से आप आंवले का सेवन करिए सुबह सुबह, लेकिन वो शुद्ध रूप में होना चाहिए। तो शुद्ध रूप के लिए क्या है, तो आंवला ले लेंगे, वो भी आपको 3-4 महीने सीजन में मिलेगा, उसके बाद फिर अभी कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमने बनाया आंवले कैंडी, देख सकते हैं कि मैंने इसमें बना के रखा हुआ है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ मिला आपको अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं, इसमें हमने आपको दिखा देता हूँ। ये आप इसमें काले रंग का देख रहे होंगे, ये कलौंजी है, जो कि बोला जाता है कि बालों को बढ़ने के लिए इसका कलौंजी का तेल या कलौंजी खाने से होता है, गठिया और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये पाचक होता है, अचारों में मेन पड़ता है, तो ये कलौंजी है। और दूसरा इसमें हमने अजवाइन डाल रखा है, अजवाइन इसमें मिक्स हो गया, अभी सूखेगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, टाइट अभी कल ही बनाया, तो ये देख रखते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस बता सकता हूँ। और ये एकदम चटपटा नमकीन है और खाने के इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो इसके खाने के अनगिनत फ़ायदे हैं और अनगिनत तरीक़ों से हम इसे ले सकते हैं। इसके खाने के कितने फ़ायदे हैं कि अगर आप सुबह सुबह लेते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ महिलाएँ होती हैं सुबह ब्रश कर लेती हैं, बट क्या है कि बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, तो उनका ब्रेकफास्ट में लग गया, उन्हें स्कूल भेजा, उसके बाद पति तो अगर जॉब पर है तो उनके लिए टिफिन तैयार करना है या लंच ब्रेकफास्ट तैयार करना है, वो अपनी सेहत पर खुद ही लेट हो जाते हैं खाने के लिए। जैसा कि हम आपको ज्ञात है कि हम सुबह सुबह भोजन करते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। इसीलिए आपने देखा जितनी भी दवाइयाँ दी जाती हैं सुबह आयुर्वेद की, बोलते हैं कि खाली पेट लेना, उसके कि शरीर उसे 100% अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी हम सुबह क्या खा रहे हैं उस पर पूरे दिन की
हाँ शरीर जो है उसी हिसाब से कार्य करता है। अगर हम सुबह सुबह जैसे उन्होंने ब्रश कर लिया, ब्रश करने के बाद क्या खाते हैं आजकल, जैसे कि बिस्किट खाने का चलन है कि बिस्किट ले लिया, ब्रेड ले लिया और ये चीज़ चाय के साथ ले लिया, और महिलाएं खुश हो जाती हैं कि चलो खा लिया, ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर में लंच कर लेंगे, बच्चे स्कूल गए, पतिदेव जी जॉब पे गए। लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। आप सुबह आप ब्रश करिए और इसके जैसे आंवले का आप जूस ले सकते हैं और फ्रूट्स ले सकते हैं, और ये कैंडी है, इसको चटपटी नमकीन टाइप की है, तो आप इसको सुबह सुबह खा सकते हैं। और एक ब्रश करना है, मुँह में डाल लेना है और इसका बेनिफिट आपको पूरा मिलेगा। ये जूस से भी बहुत फायदा है क्योंकि आप देखने में छोटी आपको कैंडी दिखेगी, लेकिन इस चीज़ का क्या है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि एकदम प्योर है, नेचुरली है और इसमें कोई मिलावट नहीं है, कलर वाला कुछ मिलाना नहीं है। हमने घर में खुद तैयार करना है तो आपको पता रहेगा कि कैसे तैयार करना है, मैं अभी तरीका बताऊँगा। पहला तरीका तो आप सुबह सुबह महिलाएँ खा लें तो उनकी जो बोलते हैं कि खराश हो रहा है या उल्टी जैसा हो रहा है, जी मिचला रहा है, और जितने एसिड बनते हैं, एसिडिक प्रॉब्लम जिनको होती है सुबह सुबह अगर खाना लेट हो जाए तो उनके एसिड बनने लगता है, तो बनने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरा, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें आप दे सकते हैं, बच्चे ये लोग मुँह में डालो, वो चूसते स्कूल चले जाएंगे, कैंडी तरह चूसते निकल जाएंगे, तो आराम से उनके लिए भी बेनिफिट है, क्यों बालों के लिए और आँखों के लिए ये फ़ायदा। इसी तरीके से आप शाम को भी सोते समय भी ले सकते हैं, या कभी दिन में कोई चटपटा खाने का मन करा तो आप इसको ले सकते हैं। और ये तो खाने का तरीका हुआ कि बच्चे भी लें बूढ़े भी लें, और इसको आपको पता है कि इसको लेने में हम क्या करते हैं, हमारी कोशिकाएँ सही रहती हैं और वृद्धावस्था में बहुत लेट आदमी जाता है, या शरीर में स्फूर्ति रहती है, उमंग रहती है, स्फूर्ति रहता है। आंवला के बारे में ऐसा कहा गया कि जो आंवले का डेली प्रयोग करते हैं उनके शरीर में एनर्जी बनी रहती है और वो स्फूर्तिवान होते हैं, निरोगी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उनके शरीर पे जो चेहरे पे आभा बोलते हैं, जिसे हम तेज बोलते हैं, प्रकाश होता है, वो हमेशा विद्यमान रहता है, तो इन चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कभी हमें चटनी खाने का मन कर रहा है और सीजन नहीं आंवले का, तो आप क्या करेंगे, इस आंवले को आधे घंटे पहले भिगो दीजिए, उसमें पुदीने में डाल के बनाइए, चाहे जो भी समय में ले लो उसमें मिला सकते हैं। जैसे अचार में डालना है तो इसे तेल में डुबो दो, अचार बन जाए, एक दो दिन धूप में रख दो तो आपके पास अचार बन जाएगा। तो इसके बहुत ही तरीके हैं और ये रखने का तरीका ये एक दो साल तक रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास कोई पुराना पड़ा था, वो आए थे घर में कोई रिलेटिव, तो उन्हें दे दिया मैंने, कहा भेजाओ मांग रहे थे, कहते हैं हमें तो आंवला मुरब्बा डालते हैं तो उसे चीनी मना कर रहा है डॉक्टर ने खाने के लिए, खट्टे खट्टे थे। तो ये मैंने तरीका बताया था, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। हमने आंवले लेने हैं, अच्छे से साफ़ सुथरे आंवले लेने हैं, और ये जो है मैंने आप देखिए 2 किलो आंवले के हैं, तो ये 2 किलो आंवले के हुए हैं, तो इसको उबाल लेना है। जैसा कि हम गैस पर रखेंगे, अपने स्टील के बर्तन में उबालिएगा इसको, सिल्वर के बर्तन में नहीं उबालना है, एल्युमिनियम के बर्तन में उबालना है, स्टील हो या लोहे की कढ़ाई हो या तांबे की, वो पीतल के जो बर्तन आते हैं उसमें उबाल सकते हैं। और उबालने के बाद करना क्या, उसको जब उबल जाएगा अच्छी तरीके से तो उसमें पानी कम डालिएगा कि हम उसका रस फेंके ना, इसी में इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि उसका जूस ना निकल जाए, तो उसमें हम उसके बीज को निकाल देंगे, उसके बाद हाथ से मसल देंगे, या आप आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम उसमें भी मैस कर सकते हैं। उसको मसलने के बाद इसमें आप स्वाद अनुसार, अभी हमने तो इसमें सेंधा नमक डाला है क्योंकि इन चीज़ों में सेंधा नमक ही मैक्सिमम यूज़ करता हूँ, अपने जितने अचार घर के हैं या सलाद वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, चटनियाँ, उनमें सफ़ेद नमक नहीं खाता हूँ और चीनी से भी परहेज करता हूँ, तो घर में भी सब्जी अभी ऐसे डाल रखी थी, इसमें हमने सेंधा नमक यूज कर रखा है। सेंधा नमक अपने स्वाद अनुसार लेना है, उसमें अजवाइन जरूर डाल ली है और इसमें कलौंजी डालनी है, कलौंजी जिसे हम मंगरेल बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में, या मंगरेल बोल जाता है, कलौंजी उसका हिंदी नेम है, काला काला होता है और कुछ लोग सोचते हैं वो प्याज का बीज होता है, लेकिन नहीं, मंगरेल और प्याज के बीज में, कलौंजी और प्याज के बीज में बहुत अंतर है। तो इस कलौंजी को यूज कर सकते हैं आप, डाल सकते हैं, और स्वाद के अनुसार इसमें अगर डालना चाहें तो थोड़ा जीरा पाउडर बनाकर डाल सकते हैं भुनने के बाद। अगर आपको स्वाद लेना तो थोड़ी मिर्ची डाल सकते हैं, लाल मिर्च डाल सकते हैं इसमें टेस्ट के लिए, थोड़ा सा आधा एक चम्मच, ज़्यादा ना डालें। तो अजवाइन और कलौंजी और सेंधा नमक तो आपको डालना ही है, अगर दो और चीज़ें, अगर कलौंजी नहीं भी मिलती है तो आप सिर्फ अजवाइन डाल दीजिए, सेंधा नमक डाल दीजिएगा और ये चटपटी बन जाएगी। इसके बेनिफिट बहुत से हैं। अब जैसे आपको गैस बन रही है उस समय भी आप इसे यूज कर सकते हैं, अगर खाने के बाद रोज एक गोली खा लेते हैं, मतलब इसका एक पीस ले सकते हैं, सूप के गोली जैसा हो जाएगा, अभी और छोटा हुआ ये, तो इसको आप देख रहे हैं अभी और छोटा हुआ, तो इसको एक पीस ये बहुत है, एक आंवले का बराबर है, कम से एक आंवले का, ये आधे आंवले का तो है ही। तो इसको एक खाने के बाद तीनों टाइम ले सकते हैं, जिन लोगों गैस बनने की प्रॉब्लम बोलते हैं, बहुत गैस बनती है तो खाने के बाद ले सकते हैं, तो गैस नहीं बनेगा। और अगर सुबह सुबह लेते हैं बासी मुँह, जैसे हम लोग ब्रश करने के बाद लेते हैं, तो और फायदा है। इस तरीके से रात को ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ ना लें, दूध के आधे, जैसे रात को दूध पीते हैं तो इसको रात को ना लें, 5-6 बजे ले लें। तो ये अपने घर में रखें, कुछ भी चूसने के काम आता है, ये बाद में हो जाएगा, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, अपने भी ले सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो बहुत ही पौष्टिक है, क्योंकि उन्हें ब्लड की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो ब्लड और आयरन दोनों की पूर्ति करता है। इसे धात्री फल भी बोला जाता है, महिलाओं के टर्म में देखा जाए तो आयुर्वेद में धात्री फल है, अमृत फल भी बोला जाता है इसे, कि अमृत फल अगर पृथ्वी पर, तो इसी को अमृत फल आंवले के बोला गया है।
इसमें इसने अपने अंदर हजारों गुण और क्वालिटियों समाये हुए हैं, तो आप लोग इसका नित्य यूज करिएगा। और ये आप देखते हैं कितनी अच्छी गोलियां लग रही है, घर का बना हुआ है, तो इस तरह आप बना सकते हैं ये। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वाद के अनुसार नमक मिर्च जो भी डालना डाल सकते हैं, अजवाइन जरूर डालना है। और इसमें सेंधा नमक यूज करिएगा, मेरा आपका रिकमेंड है। तो इसमें आप जैसे जिनका वजन बढ़ गया, जो वजन कम करना चाहते हैं लेकिन अब शुगर नहीं खाएंगे, जैसे वो कहते हैं हम वो ले सकते हैं मुरब्बा, तो उसमें चीनी होती है तो फैट बढ़ाता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो फैट बढ़ाएगा। तो आप इन चीज़ों का अपना बना लीजिएगा, और जितने फैटी लोग इसको खाते रहें और सुबह सुबह लेंगे गुनगुने पानी के साथ, तो उनका फैट भी कम होगा और बहुत फ़ायदे होंगे। तो आप लोगों ने देखा कि आंवले का चटपटा वाला बनाने का क्या मेथड है और किससे खाया जाता है। और इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरा चैनल देखा, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर जरूर करिएगा। आप लोग लाइक करके छोड़ देंगे कि आने वाले लोगों को भी पता चले और अदर लोग भी जाने, तो उन्हें भी बेनिफिट होगा। मेरा इसका पर्पज यही दिखाने का कि अधिक से अधिक प्योर आंवला आप लोग कैसे खाएँ और खा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसके साथ अभी सीजन है, आप खरीद के बना सकते हैं, रख सकते हैं। इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद।